दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाई सुपर कैरी के बारे में। और ये भी मारुति की प्रोडक्ट है। और जो लोग अपने स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग स्टेज में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट लाइन पे, उनके लिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में और कुछ नई चीज़ें इस गाड़ी में अभी ऐड ऑन कर दिया गया है जिसके बारे में आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। प्लस अभी रिसेंट इसका प्राइस कितना क्या है, फीचर्स क्या ऑफर करती है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करता हूँ वीडियो और देखते हैं इससे सुपर कैरी यानी कि भाई देख लो ठीक है ना, एक कॉमर्शियल व्हीकल। तो चलिए भाई बात करते हैं। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा प्रोफाइल आपको दिखाना तो आपको मिल जाते हैं। स्क्वायर शेप में यहाँ पे हेलोजन की हेडलाइट रखी गई है, इंडिकेटर आपको मिल जाती है भाई देख लो यहाँ पे, ये भी आपको मिलेगी हेलोजन के साथ। और बम्पर का पार्ट रखा गया है ब्लैक कलर में, रिफ्लेक्ट आपको मिल जाती है एक स्ट्रिप पे देख लो। एंड ग्रिल भी आपको मिल जाती है भाई ब्लैक यानी कि मैट कलर में, सुजुकी का लोगो यहाँ पे दी जा रही है, सुपर कैरी यहाँ पे लिखा गया है ब्रांडिंग जो है। और ये इसका फ्रंट का प्रोफाइल। फॉग लाइट आपको यहाँ पे ऑफर नहीं करते, उसके बदले आपको यहाँ पे मिल जा रही है वही रिफ्लेक्टर टाइप की, देखिए भाई राउंड शेप में आपको मिल जा रही है भाई ये रही ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्रंट का प्रोफाइल सुपर कैरी का। तो अभी आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे भाई, देखो इसका साइड प्रोफाइल और डेक का एरिया जैसे देख पा रहे हो। तो भाई साइज भी बताऊंगा, पेलोड आपको बताने वाला हूँ, पहले देख लो इसका साइड प्रोफाइल सुपर कैरी का। तो टायर पहले देख लेते हैं, इसमें आपको मिल जाती है 13 इंच की स्टील रिम भाई, ये देख लो स्टील रिम आपको मिल जा रही है। अगर चाहो तो इसमें आप व्हील कवर लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी ठीक है ना। सस्पेंशन की बात करें तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे फ्रंट में मैकफर्सन की स्ट्रट थी कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, जैसे देख पा रहे हो भाई फ्रंट का सस्पेंशन। और ये चीज़ आप देख पा रहे हो, ये आपको मिलेगी स्टॉक यानी कि साइड बीडिंग कैरी यहाँ पे लिखा गया है ठीक है ना। एंड इसका जो रेन वेचर जो पार्ट है शॉर्ट आपको मिल जा रही है, ये भी आपको मिलेगी स्टॉक गाड़ी के साथ ही ठीक है। डोर हैंडल मिल जाती है भाई ब्लैक में, ये देख लो। और अभी बात करते हैं इसके डेक के पार्ट के बारे में भाई, इसका जो डायमेंशन आपको बता दूँ कितना क्या आपको डायमेंशन मिल जा रही है इसके डेक का एंड कितना क्या इसका पे लोड है ओके। तो भाई डेक का जो ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको मिल जाएगी 2183 mm, इसका जो चौड़ाई आपको मिल जाती है 1488 mm, और इसका जो हाइट है भाई ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये आपको मिलेगी 300 mm की ठीक है ना। और पे लोड आपको दी जा रही है 740 kg का इस गाड़ी में, जो कि चेंज नहीं हुआ है, जो आपको पहले मिल रहा था वही आपको अभी भी मिल रही है इस गाड़ी में, यानी कि 740 का इसका पे लोड है इस सुपर कैरी का। एंड अभी आते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, तो ये इसका रियर टायर आपको दिखा दूं। तो ये इसका रियर टायर एंड रियर सस्पेंशन, तो रियर में आपको मिल जाती है लिप स्प्रिंग रिजिड एक्सल वाली सस्पेंशन जैसे देख पा रहे हो ओके। और बैटरी का भाई देखो यहाँ पे इरा बैटरी का प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिल जाती है एवरन की बैटरी लिखा गया यहाँ पे। और अभी आते हैं इसके रियर साइड में, स्क्वायर शेप को मिल जाती है इसका, टेल लाइट का प्रोफाइल, हैलोजन बेस सब कुछ रखा गया है यानी कि इंडिकेटर टेल लाइट एंड इसका जो रिवर्स लाइट आपको मिलेगी हेलोजन के साथ सब कुछ जैसे देख पा रहे हो। रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर वाली एक स्ट्रिप यहाँ पे दी जा रही है, कैरी यहाँ पे लिखा गया है और मारुति सुजुकी के यहाँ पे स्टिकरिंग जैसे कि देख पा रहे हो ठीक है ना। बाकी सेंसर आपको मिल जाती है 4, 1, 2, 3 एंड 4। और इसका जो स्पेयर व्हील का जो पार्ट वो भी आपको मिलने वाली है वो रही है भाई देख लो ओके। एंड सामान वगैरह लोड करना और भाई निकालना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप मिल जाते हैं हुक टाइप की, तो इसको आप देख लो। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाली है इस गाड़ी में, तो इसको भी आप लॉक कर सकते हो, कोई भी दूसरा बंदा यहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। फिर से हमने इसको लॉक कर दिया ओके, देखिए ये हो गई लॉक। एंड साइड में आपको यहाँ पे हुक टाइप की मिल जाती है मेटल की हुक्स, ताकि अगर कोई सामान आप यहाँ पे रख के टाइट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो बोथ साइड में आपको मिल जाती है 4 यहाँ पे हुक मेटल की ओके। तो ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल सुपर कैरी का। एंड ये रहा इसका एयर इंटेक का पार्ट भाई देख लो ठीक है, ओवर में आपको मिल जाती है भाई ब्लैक कलर में, थोड़ी सा आपको बड़ी मिलेगी। तो भाई केबिन को जाने से पहले आपको बता दूँ चेंज क्या हुआ है इस गाड़ी में, यानी कि अभी आपको मिलेगी E20 का फीचर यहाँ पे स्टिकिंग जैसे देख पा रहे हो। और E20 के साथ भाई रिफाइनमेंट आपको मिलेगी, उसके साथ इसका जो पावर फिगर है उसे भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई यानी कि इंक्रीज आपको मिलेगी। और ये इसका फ्यूल टैंक आपको मिलेगी 30 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ये गाड़ी आपको मिलेगी पेट्रोल एंड
पेट्रोल प्लस सीएनजी यानी कि बाई फ्यूल के साथ भी। तो दोनों का ऑप्शन मिल जा रही है भाई सुपर कैरी में। अभी चले चलते हैं इसके केबिन में। तो यहाँ से आप इसको की इंसर्ट करके लॉक भी कर सकते हो इसका डोर को। और ये रहा इसका भाई केबिन का एरिया, देख लो सुपर कैरी का। और सब कुछ आपको मिलेगी ग्रे, जैसे देख पा रहे हो ग्रे टाइप का मिल जाता है इसका डैशबोर्ड। और सीट भी उसी कलर में मिल जा रही है, तो पूरा बस ग्रे ग्रे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका जो डोर पैनल वो आपको मिलेगी ग्रे में, देखिए तो ये भी ग्रे है, डैशबोर्ड ग्रे आपको मिल जा रही है, सीट आपको मिल जाती है ग्रे कलर में। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसके डोर पैनल से ही। तो ये हो गया इसका डोर पैनल, तो पूरी सिंपल है, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिल जा रही है, आपको वही ओल्ड स्टाइल आपको मिल जाती है भाई। इसका जो ग्लास अप एंड डाउन करने के लिए भाई देख लो, ओके इनसाइड ग्रैब हैंडल आपको मिल जाती है। और अभी बात करते हैं भाई सीट की, पहले बैठ जाते हैं उसके बाद बात करते हैं इसके फीचर्स एंड कंफर्टेबिलिटी के बारे में। तो भाई आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और मेरा हाइट है 6'3" का, और भाई देखिए मैं बैठा हूँ सुपर कैरी में, आपको दिखा दूँ। देखो भाई आराम से यहाँ पे मैं जो है फिट हो गया, मैं हॉर्न भी बज गई, ठीक है ना। तो देखो भाई मैं चला रहा हूँ सुपर कैरी को, वो भी शोरूम के अंदर, ठीक है। तो मजाक कर रहा था, तो आराम से फिट हो पा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे हाइट की वजह से कोई मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। आपको हेडरूम आपको दिखा दूँ भाई, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका हाइट अगर ज़्यादा है तो भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो। जो बंदे चाहते हैं एक ट्रांसपोर्ट लाइन में बिजनेस स्टार्ट करने की, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई भाई पर्सनल यूज के लिए नहीं है गाड़ी, ओके। तो ये हो गया इसका भाई डैशबोर्ड ग्रे कलर में, स्लॉट रखा गया यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेगी स्लॉट, तो यूजफुल स्पेस आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह रख सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए आपको मिल जाती है ग्लो बॉक्स विथ लॉक का सिस्टम भाई, देख लो सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छी जो है चीज़ दी गई है। म्यूजिक सिस्टम या फिर एसी का कोई भी फीचर आपको नहीं दी जा रही इस गाड़ी में, लेकिन स्लॉट आपको मिल जा रही है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो भाई हर एक गाड़ी में एसी फीचर दी जा रही है, तो एक ऑप्शन भाई बनना चाहिए इस गाड़ी को लेके। भाई एसी गाड़ी भी निकाल दो, एसी गाड़ी, नॉन एसी गाड़ी, आई मीन नॉन एसी गाड़ी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, एसी होने से क्या होगा ना भाई, जिनको चाहिए एसी गाड़ी तो वो भी ले सकते हैं, तो एक ऑप्शन बन जाएगी लोगों के लिए, ठीक है ना, आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई देखते हैं कंपनी क्या सोचती है इसके बारे में, लेकिन हम तो बस जो हमने देखा वही मैंने आपको बताना सही समझा। बाकी आप अपना कमेंट मेरे को बता सकते हो भाई, आप भी यही सोचते हो या फिर कुछ अलग सोचते हो। एंड स्टीयरिंग व्हील में देखिए पूरी सिंपल रखी गई है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, पूरी सिंपल, लेकिन थोड़ी सी आपको बड़ी मिलेगी, आपको लगे जैसे कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो, उसी हिसाब से यहाँ पे इसका स्टीयरिंग रखा गया है थोड़ी सी बड़ी। भाई देखो हॉर्न, बाप रे काफ़ी लार्ज है। क्लस्टर सिंपल की आपको दिखा दूँ, ये इसका की, तो करते हैं इसको स्टार्ट। और भाई देख लो इसका क्लस्टर पूरी सिंपल, 120 तक जो है इसका मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे मेंशन किया गया है। छोटा सा डिस्प्ले यहाँ पे दी जा रही है, जहाँ पे फ्यूल गज हो गया, एवरेज यहाँ पे शो करेगी, बाकी वार्निंग वगैरह जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो साइड में, सीट बेल्ट रिमाइंडर। तो स्टर्ड यहाँ पे आपको मिल जाती है, जहाँ पे आपको देखिए ट्रिप पे ट्रिप भी हो गया, टाइम एवरेज यहाँ पे आपको शो करने वाली है, ठीक है ना। एंड ये रहा इसका हैजर्ड का स्विच भाई, देख लो वरना आप ढूंढते रह जाओगे भाई कहाँ गया इसका हैजर्ड का स्विच, यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। इसको कैसे ऑन करते हैं भाई, अच्छा ऐसे इसको आपको पुल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन आपको मिलेगी लाइट के कंट्रोल्स, ओशन वेपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दी जा रही है इस गाड़ी में, लाइट लेबलर एंड एक डमी यहाँ पे दिया जा रहा है स्विच। इधर भी आपको मिल जाता है छोटा सा स्लॉट भाई, ये रही। तो जैसे कि गाड़ी चलाते हैं लोग, तो उनको छोटी मोटी चीज़ों को जो है इधर उधर रखने की आदत होती है, तो इसलिए इस साइड में दी जा रही स्पेस यहाँ पे है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आपको मिल जा रही है, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है, सिंपल है पूरी तरह से। और ड्राइवर के साथ और एक बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, यानी कि को ड्राइवर। और देखो भाई यहाँ पे आपको स्पेस मिल जा रही है, कम्फर्ट भाई काफ़ी चौड़ी आपको सीट मिलेगी, मस्त वाली कम्फर्ट मिल रही है। तो ये भी देखिए ये भी कैपे को चौड़ी मिलने वाली है, तो भाई कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और ये रहा इसका भाई विंडो, रियर विंडो, यहाँ से आप देख सकते हो भाई पीछे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सामान है कि नहीं या फिर कहीं चली गई क्या, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ग्रैब हैंडल मिल जाती है दो, अगर आपको गाड़ी में चढ़ने के लिए मुश्किल आ रही है तो आप इसको पकड़ के अंदर आ सकते हो, दोनों साइड मिल जा रही है, एक यहाँ पे दूसरी वहाँ पे। आईवीएम मिल जाती है भाई, ये देखो आईवीएम रीडिंग लैंप आपको दी जा रही है हैलोजन के साथ। सन वाइजर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ओनली ड्राइवर साइड में, बस यही है और कुछ भी नहीं है।
एंड ये रहा इसका गियर लीवर, आपको मिलेगी भाई मैनुअल के साथ ही, ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलने वाला है इस सुपर कैरी में। और चेंजेस की जिसके मैं बता दिया भाई, इस गाड़ी में भी आपको मिलने वाली है E20 का फीचर एंड पावर फिगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग ये गाड़ी को लेना चाहेंगे उन्हीं लोगों का फर्स्ट रहता है प्रायोरिटी भाई गाड़ी का पेलोड कितना है और पावर है कि नहीं, और तीसरा जो है वो है माइलेज पे, तीनों चीज़ों ज़्यादा देखते हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया पेलोड के बारे में, E20 आपको मिल जाती है इंजन यानी कि आपको मिलेगी रिफाइनमेंट, और पावर अभी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। मैं आपको बता दूं भाई कितना की पावर डिलीवर करती है ये सुपर कैरी अभी, तो भाई पहले जो पावर डिलीवर करती थी गाड़ी वो थी 54 किलोवाट की एंड 98 एनएम का टॉर्क, लेकिन अभी जो सुपर कैरी है वो पावर डिलीवर करेगी भाई 59 किलोवाट की, यानी कि 5 किलोवाट इसमें इजाफा किया गया है इसके पावर फिगर में एंड 104 एनएम का इसमें टॉर्क अभी आपको मिलने वाली है। माइलेज की बात करें तो भाई 22 का जो है किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है कंपनी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो भाई आप 20 मान के चलो भाई, 20 भी एक बड़ा फिगर है इस गाड़ी में देखा जाए तो। तो तीनों चीज़ों का अगर देखा जाए तो भाई पावर भी मिल रही है, पेलोड आपको अच्छा मिल रहा है, प्लस आपको एक माइलेज फिगर वाली यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल मारुति की तरफ से दी जा रही है। तो ये हो गया भाई इसका पूरा फीचर्स के बारे में, क्या क्या आपको मिलेगी अपग्रेडेशन। और भाई देखिए इसका जो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे मेंशन किया गया है 80 किलोमीटर पर आर की, जो कि मेरे हिसाब से सही है भाई, एंड उसके अंदर ही आप चलाना भाई इस गाड़ी को सिटी के लिए एंड छोटी मोटी जगह के लिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि भाई गाड़ी थोड़ी सी छोटी है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है भाई अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एक ट्रांसपोर्ट लाइन में, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वही चीज़। सेफ्टी में आपको मिल जाती है 18+ सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो हो चुकी है सारी बातें गाड़ी के बारे में, अभी आते हैं प्राइसिंग के ऊपर, कितना क्या प्राइस आपको देनी पड़ेगी इस सुपर कैरी के लिए। तो चलिए भाई बात करते हैं इसके प्राइसिंग को लेकर। सो इस गाड़ी का जो एक्सरूम जो प्राइस है यानी कि पेट्रोल वेरियंट का, वो आपको आ जाएगी 5,30,000 की इसका एक्सरूम प्राइस, और अगर ऑन रोड की बात करो तो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 6,00,000 में। तो 6,00,000 आपको मिलेगी भाई राउरकेला उड़ीसा से, और तो ये गाड़ी बिलोंग करती है ऑर्बिट शोरूम राउरकेला उड़ीसा से, और अगर आप चाहते हो भाई यहाँ से गाड़ी लेने के लिए तो इनका नंबर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो भाई सुपर कैरी का प्राइसिंग आपको बता दिया एंड CNG का भी बता दूँ भाई, तो CNG का जो एक्सरूम जो प्राइस आपको आ जाएगी 6,30,000 की, जबकि CNG का यानी कि बाई फ्यूल का जो ऑन रोड जो प्राइसिंग वो आपको आ जाएगी 7,10,000 में, ठीक है। तो दोनों का प्राइसिंग आप लोगों ने जान लिया होगा इस गाड़ी से रिलेटेड। और भाई यही था आज का वीडियो इस सुपर कैरी के बारे में, और एक कमर्शियल व्हीकल जैसे कि भाई बीन स्टेज में आपको मिल जा रही है वो भी मारुति की तरफ से। तो नई नवेली नई फीचर्स आ चुकी है ये गाड़ी, तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ग्राउंड में, धन्यवाद।